वो तीन लोग वापस आए, हजरत बीबी आमिना कहती ये कहां ले गए थे, तो आपस में कहते हैं अल्लाह का हुक्म था हम सारी कायनात की सैर कराने ले गए थे आलम मलकूत में, आलम जिन्नात में, और तमाम आलमों की सैर हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई, और फिर उन सब ने ये ऐलान कर दिया गया है अल्लाह के हुक्म से कि ऐ आलम मलकूत में रहने वालों, आलम जिन्नात में रहने वालों, सुन लो आज के बाद हुकूमत इस शहंशाह आजम की है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इस उनके कब्जा और गलबा को बताने के लिए पूरे आलमों की सैर कराई गई। अब मुझे बताओ क्या ये खुशियां नहीं मनाई गई थी, क्या ये खुशियां नहीं मनाई गई थी? इन कब्जों वालों कब्जे वालों को सिर्फ मक्का के कुफार नजर आते, वो नहीं मनाए थे, उन्होंने खुशियां नहीं मनाई थी। अरे तुम्हारी तुम्हारे खानदान में से एक आदमी मनाया था, अबू लहब। हाँ ये हदीस पाक में है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। उस वक्त तो अभी वो गुस्ताख नहीं था, काफिर नहीं था, हुजूर की पैदाइश की खुशी में उसने अपनी एक कनीज को आजाद कर दिया था, जहां मेरे मरहूम भाई को बेटा पैदा हुआ, तू आज से आजाद है। हजरत अब्बास कहते बाद में तो गुस्ताख मरा है, काफिर मरा है, लेकिन मैंने अपने ख्वाब में उसको देखा, भाई है हजरत अब्बास, अबू लहब के भाई है। कहते हैं तेरे साथ क्या मामला हो रहा है? अबू लहब कहता है हमेशा अंगारों में जलता रहता हूँ, लेकिन हर पीर के दिन मेरी एक उंगली को ठंडी कर दिया जाता है, मैं उसको चूसता हूँ तो वो ठंडक मेरे बदन में भी आती है। हजरत अब्बास कहते हैं एक उंगली क्यों ठंडी की जाती है, वो भी पीर के दिन? वो अबू लहब कहता है इसलिए कि उस दिन मैं अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में अपनी कनीज को इस उंगली से आजाद किया। अरे उस खानदान वालों की भी बात कर रहा हूँ, तुम कहते हो नहीं मनाए नहीं मनाए, जरा और पढ़ो मनाए, तुम्हारे दादाओं ने भी मनाए और कब्र में उसका फायदा भी उठा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक के चाहने वालों में हमें पैदा किया। ये इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली का एहसान है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अस्मत मुस्तफा सईदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जबलपुर वालों को कहने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जबलपुर का ताल्लुक आला हजरत से इतना करीब है जितना तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे कपड़े का भी नहीं होना। हक है सुभान अल्लाह, आला हजरत नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे बुरहाने मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। आला हजरत के सफरों को जो आपके हज के सफर है, दीगर सफर है, मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ।